होप करदा सारे जाने मेरे वांगू ठीक हो गए। सो स्वागत है जी अज्ज दे नवे ब्लॉग च। नवा ब्लॉग इनफॉर्मेशन वाली कोई चीज़ भी लैके आए हैं नाल, ते करता वैसे पहले भी चुके हैं आपां ये चीज़, पर रिपीट कर रहे हैं। रिपीट ये चीज़ कर रहे हैं कि तुहानूं जिवें सारयां नूं पता ही है कि आपां पहलां जॉन डीयर की जिहड़ी ढोलकी सी उह कढ़ती सी, उस तों बाद जिहड़ी ढोलकी सी उह फिर पाती, पर हुण दिल कर रहा है कि नहीं ढोलकी कढ ही दिंदे आ ते इदां ही चलावांगे इहनूं, क्योंकि हुण न्यू हॉलैंड वाला सलंसर भी पाया होया। सो एक बार आवाज़ भी चैक हो जाएगी, दिल च थोड़ा जिहा हैगा सीगा मैं कहा चलो ये भी कर लैंदे आ। कहिंदे ना जिहड़ी चीज़ करन दा दिल करे ना फिर उह कर लैणी चाहीदी आ। सो मेरा भरा हरमन है मेरे नाल हैल्प करा रहा। की चक्कर हो गया, खुलेगा वीर? किधर नूं घुमा रहे हैं? इधर। हाँ घुमाओ दब। हाँ खुल गया, चक दे बस। चलो टैट लॉक टाइट हो गया होगा, पता नहीं की चक्कर सीगा लॉक टाइट हो गया सी थोड़ा जा। चलो वैसे तो खुल गया है हुण हरमन, वैसे हवा बहुत चल रही है देखो तुम, कवर का उड उड के बुरा हाल हो गया। पुलिस लाइट अपने उत्थे थले नूं करती सी आनंदपुर साहब, इहदा घैंट चानण आ रहा सी उस टाइम। बाकी बाबे ये हुण आपां ढोलकी चेंज करांगे, तो ढोलकी का प्रोसैस की है चेंज करन दा तुहानूं ये दिखावांगे, ठीक। उस तो बाद आपां अगे रात मैं लाइव होया सी, कल भी लाइव होया सी रात, तो परसों भी उहदे च पुछिया सी भी पहला वीडियो कदे लैके आईए, रिमोट वाले फ्लैशर ते या रिमोट ते हैडलाइटा दी या फिर थले जिहड़ियां लाइटा आ भी हिस्से दे किवें ला के कनैक्शन किवें करने उहदियां। सो उहदे जिहड़े जवाब सी लगभग मिक्स जिहे ही आए। सो हुण मैं पहला लाइटा दा ही काम करना आ, तो वह आप बाद करांगे तो थोड़ा दिखावे नाल नाल दिखाई जावे। सो हूँ मैं थोड़ा प्रोसैस दिखाना की करना है। पहला भाई आ कलंप लूज़ कर लेना है, इन थोड़ा चाबी ना लूज़ करके, तो बाकी 10 नंबर की गोटी लगती है इनू, 10 की किन्ने की 12 की गोटी लगती है, जिदे कि अपना जोड़ा ये कलंप है वह लूज़ करके नट पूरा खोलना पैंता, कलंप क्ढना पैंता है। तो जोड़े मेरे भी टर्बो आ जिन्हें ट्रैक्टर और सलंसर चेंज करते हैं भाई, कलंप वगैरह ध्यान कस्यो ध्यान लाओ, क्योंकि छोटी जी गलती भी बहुत भारी पै सकती है। चेक करो दी वह कलंप लग गया है, ठीक है। सो पहला वह कलंप खोलांगे, उस तो बाद की करवाना आप कि वह जो ढोलकी के दो नट है जोड़े तुम देख रहे हो पत्ती दे नाल लगे हुए, एक आ रहा तो एक आ रहा, ये दोनों खोलने हैं, तो ये अपनी जी ढोलकी खुल जाएगी। फिर आप जी रेडिएटर वाली बोटल आ, सो जी आह बोटल है जी, उस तो बाद खुलूगी यदा आह नट खुलूगा, ठीक है। तो आह जो कॉलम अपना यह भी खुल जूगा, ठीक। उस तो बाद फिर की होगा कि अपनी जी ढोलकी है जमा फ्री हो जाऊ, तो फिर आपू ढोलकी कड लाँगे। सो जी देखते हैं ये जो काम हो जूगा फिर थोनों अगे अगे दिखावे, तो आप शायद जल्दी ही इंटरकूलर भी इंस्टॉल करा, तो वो वीडियो भी थोड़ा देखने को मिलेगी, पर इंटरकूलर हाले नहीं, थोड़ा टाइम रुक के कराएं, क्योंकि जो सीजन आऊगा ना वो नेड़े तेड़े ही करा इंटरकूलर इंस्टॉल ये अंदर। सो उस तो पहला आप जो बाकी मोडिफिकेशन है वो डन कर देनिया आ, ठीक। तो अपना जोड़ा पहला इतने बोनट गैप हों भी क्लीयर हो गया, ये सर साड़ी अणगेली करके ना देखो इन्हें बोनट ने घसा घसा के सारा, तो पेंट भी लाता जे उस टाइम मैं ठीक टाइम पर ध्यान कर लेंदा। सो ये जो पेंट से उतरना नहीं जे मैं ठीक टाइम पर ध्यान कर लेंदा। बाकी आ वायर भी थोड़ी जी टाइट करनी है, लूज चल रही है, वो एक तो हवा ही बहुत है आ लूज आ, इन भी टाइट करा थोड़ा जहा, ताकि फिर जो अपना पैडल च प्ले आ ये खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी काम हो गया ये वाला अपना डन, तो एक आ दो नट आ जोड़े इन्हों पर भी हाथ मरा थोड़ा थोड़ा जहाँ, इतों लीकेज हो रही है ये जदों का मैं मतलब अल्टीमेटर का काम कराया ही, उस तो बाद आप कसे नहीं ध्यान तो वो करके लीकेज आ रही है। सो ठीक है जी, एक बार आप ढोलकी खोल लीए, ढोलकी खोल के फिर थोड़ा दोबारा दसूँगा भी कि नट खोलने किदा किदा खोलने अगे का की प्रोसैस रहूगा, फिर थोड़ा वह दिखाऊंगा। बाकी जो हवा न थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आई तो भाई मैनेज कर लियो, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा आ। सो मैं लगता ही है कि आवाज़ थोड़ी बहुत कट के आऊगी या जिदा भी है ना। सो ठीक है, थोड़ा थोड़ी देर से मिलना है, पहला खुलवा ला मैं अगे इन। हेलो मित्रों, भरा ने वह खोलता है सलंसर अपना, ठीक है, तो ढोलकी खोलनी स्टार्ट करती है। ये थोड़ी जी यार गोटी हो ना तो बड़ा आसानी हो जाती है, गोटी सैट अपना जोड़ा यार बस लोग लै जाते हैं मंग के, वो फिर अद्धा पजद्धा ही करके दिता आ, इस करके आप टूल देने लिए हूँ मना ही करता हर एक बंद, क्योंकि यार गल नहीं है कि मन नहीं है या भी नीत का चक्कर नहीं हों, जो बंदा नीत हिसाब रख के दिता है वो चीज़ भी पूरी करके नहीं देखे जाते लोग। हूँ गोटी सैट मैं पूरा डब्बे दिता ही तो मेरे को झोले च आया वा, ठीक है। आ देख लो तुम पानियां ना जोर मारना पै रहा, ठीक है। हूँ यह स्लिप करता है, चोट लगन का भी खतरा, तो उत्तों की इन्हों कहते नट भी खराब होंगे हैड भी, ठीक है, है? हाँ पाइपा की लीकेज होने का डर रहा ना जो लग जाती है फिर, ठीक है ना। देखो भाई भरा ने खोल तो दिता औखा सौखा हो के, बाकी तुम टाइम लैप्स देखो अगे थोड़ा इनफॉर्मेशन दवांगा जो पूरी खुल गई।
लो जी बाबे ढोलकी खुल गई आ रखती ढोलकी थले एक बार हरमना कालस चेक करिए टर्बो च ना फ्रंट तो फैन ठीक होंगे कालस तो बथेरी जमा है नी स्मोक चेक करो बाबे इन्नी स्मोक जम गई हूं तो सो देखो जी भरा ने खोलती है ढोलकी आ पई है जिवें थोनू मैं पहला दिखाता सो हुण अगला प्रोसैस ये कि आ अपना जगाड़ा आ जिहड़ा आपां तैयार कीता आ वैसे तो अपना एक सबसक्राइबर भरा ही वह कहिंदा मैं लैके जाना आ पर आपां दुबारा इहनू लाता है की करिए भरावा शौक जिहा जिहड़ा वह पूरा जिहा नहीं होया हले सो सोचा तो हैगा सी इहनू साइलेंट ही रखांगे पर नहीं यार गलबात बनदी नहीं आ सो हुण आपां इहनू इदां चलावांगे तो कई वीर कहिंदे वी ओरिजिनल आवाज़ ना छेड़िया करो है ना भी मैं भी मैनू भी ये चीज़ हैगा भी ओरिजिनल आवाज़ नहीं छेड़नी चाहिए पर कितना कि लगता है कि नहीं ये भी पा के देखना चाहिए थोड़े दिन ये भी चला लो सो जी बिचों बिचों आप साउंड जी है वो चेंज कर लिया करा ओरिजिनल सीजन का टाइम ओरिजिनल कर देंगे एवें चलाना है तो इदा ही चलाई जावे इनू ठीक है ना वाई वूई नहीं करा ये तो एवें चलाई जावे बट ठीक है जी एक बार इनू कर लिए टाइम लैप्स देखो कि फिट हों फिर अगे आप गलबात करा सारी लोई बाबे जो अपना बैंड आ कच्चा फिट करता है मतलब आप पिछों कलंप कसता उन्होंने आ दो नट पाते हैं टाइट नहीं किया फुली टाइट नहीं किया यार नट अपना जोड़ा गवाच गया एक टूल च पै है वो गवाच गया तो पहला इधरों ही खोल के लाया फिर आप दूसरे पा देंगे झंडे वाले कॉलम में तो आप कर दें भी हले आप पा दें नट फिलहाल क्योंकि इतने पाना जरूरी है अपनी जी आली सपोर्ट आ ना यदि टैंकी वाली ये खुल जाती है फिर ये लगती नहीं हैगी पैकिंग पानी है फिर आप सो बाबे ऐ करते हैं भरा थोड़ी जी हेल्प करा दें आप खड़ो मैं हेल्प करा बई फिर कर दा दोबारा वीडियो स्टार्ट नहीं औखा आ एक हाथ नाल दो काम करने अच्छा हो गया टेढ़ा लग रहा मैं कहना पहला उपरले नट पवा लें थले वाले बाद च पाऊगा लो जी बाबे देखो तुम सलंसर हाफ जो फिट हो गया बस हूँ इन टाइट करना रह गया सारे टाइट करा तो उस तो बाद बाकी की जी काम है वो तुम दिखावे किदा किदा की किया क्योंकि हूँ थोड़ा जहा वीडियो करके बंद करनी पैगी क्योंकि फिर दोनों का जोड़ा वो एफर्ट लगना सीता ही इन्हें टाइट होना सलंसर ने इदा इन्हें होना नहीं सो फिलहाल ये तो हो गया बाकी अं टाइट करते हैं तो वह तुम टाइम लैप्स देखो फिर थोड़ा अगे की डिटेल देवे लो जी बाबे लगभग टाइट हो ही गया दो वाले अंदर वाले नट रह गए एक थले वाला नट रह गया जिहड़ा आ वाला नट आ ये टाइट होगा तो ही सलंसर पोजिशन से आऊगा अपने तो उस तो बाद अंदर वाले दो नट टाइट करने हैं फिर अपना जिहड़ा सलंसर वाला काम है फाइनल हो गया एक यार आ भी पाउडर कोटिंग करा दाँगा मैं आ वाला ना पंगा मतलब ज़्यादा ही यार नजायज जहा काम हो गया स्टील वाला सलंसर फिट किया ही ना वो देखो जिदा वो रह जाता ना अपना दाने दुने रहते वैल्डिंग के वो करके फिर यह जहा हाल हो गया यदा बाकी हवा बहुत चल रही है भरावा हवा अच्छ बहुत खराब आ रही होनी है तो इन्ना का एडजस्ट कर लियो मेरे वीर बस आ दो नट रह गए टाइट करके फिर मैं बाई नाल कितने काम जाना आ तो वह काम नबेड़ के फिर आऊँगा बाकी डिटेल थोड़ा फिर आके दूँगा जो जो अगे का काम करना आप लाइटा लूटा का ठीक है बाबे आज जंग देखो किमें फट रहा है करना पेगा यार कोई ना कोई जगाड़ ना अपन जंग वाला धवा के या तो एयर मराया करा पानी ना खड़ा रवे इतने या कोई होर जगाड़ कराया करा डीजल वाला तो यार इदा है ना हूँ डीजल मराने फिर भी रहा ही है थोड़ा बहुत फर्क चलो ये कर लिए टैट फिर थोड़ा दिखाने टाइम लैप्स देखो तुम लो जी मित्रों घर पहुँच गया सी बाई हुणे निकल गया हुणे उन्हें सब्जी दवानी सी उन्हां नूं पैक होई खड़ी सी बस लै आउणी सी ओ देखो अवलीन ओनू ऐ हो गया पापा आ गए बार हाँ जी आ गया पुत लो भी बाबे थोनू मैं हुण दी इनफॉर्मेशन दे दिंदा आ कि बाई ने करता आ सलंसर आवाजा मारी जाती है सो बाई ने करता है यदा जो बैंड से फिट करता तो उत्तों लाता है सलंसर सलंसर भी अपना पूरा एन फिट हो गया आ तो सीधा ही आ कोई चक्कर नहीं है हाँ सैट आ कोई चक्कर नहीं एडा पहला ए होंगे टेढ़ा जहा लग जाए कि देखो तीन सैट आ जावा बाकी जी इनफॉर्मेशन आ बाकी जो व्लॉग शाम को स्टार्ट करा क्योंकि हूँ धुप्प हो गई हूँ कोई काम होना नहीं है नाले हवा भी चली जाती शाम को आप काम स्टार्ट करें लाइटा का फिर थोड़ा वो दिखावे यदि रिमोट से लाइटा करनी अगलिया वो भी तो थले वाली लाइटा लवानियाँ आप सारिया तो दोबारा किदा लाइनियाँ वो भी थोड़ा दिखावे सो हूँ चलते हैं जी फिर थोड़ा शामी मिलते हैं सीधा हाँ जी बाबे सो शाम के जी 6-7 बज गए हैं एक्चुअल च यार मैं कहा कि व्लॉग स्टार्ट करा लाइटा का काम करा तो मैं थोड़ा जहा बिजी हो गया काम चलिया गया कुछ यार दोस्त आ गए मिलने करके सो आप हूँ व्लॉग की जी स्टार्ट
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਈ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਊ ਹਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਲੰਸਰ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੁਬਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਘੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਢੋਲਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਵਲੌਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗ ਲਓ ਵੀ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ 14-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਲੌਗ ਪਾਊਂਗਾ ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ It's just me against the world. I got me this wood, I'm proud of. I'll let it go.